रिपोर्टर शायद मिल पाए। दसवीं पास व्यक्ति A1 ऑफिसर के पद पर बैठकर किया अरबों का घोटाला, सूचना के अधिकार से मिले दस्तावेज से हुआ खुलासा। दरअसल सरकार के महत्वपूर्ण महकमे में सहायक संचालक पर RTI कार्यकर्ता ने गंभीर आरोप लगाया है। RTI कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला समाज कल्याण विभाग के सहायक संचालक पंकज वर्मा पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि महज दसवीं पास पंकज वर्मा फिजियोथेरेपिस्ट का फर्जी डिप्लोमा दिखाकर समाज कल्याण विभाग में संयुक्त संचालक के पद पर पहुंच गए। इसके पहले भी कई प्रमोशन, कई इंक्रीमेंट लग चुका है। सूचना के अधिकार से मिले दस्तावेज के मुताबिक पंकज वर्मा बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिया था, अब नौकरी को बचाने के लिए अरबों रुपए का गबन, दिव्यांगों निराश्रितों के राशि में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि करोड़ों करोड़ों के अलग अलग घोटाले में शिकायत हुई है, जिसके बाद जांच टीम बैठी, लेकिन शिकायत सही पाने के बावजूद आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस अधिकारी पर शासन प्रशासन इतना मेहरबान है कि अरबों के जांच सही पाने के बावजूद इस पर आज तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि वर्तमान सरकार इस पर किस तरह की कार्रवाई करती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्ट।